अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं सर्कुलर ट्रैक पर बेस्ड, ठीक है। ए एंड बी रन अ 75 किलोमीटर रेस ऑन अ राउंड कोर्स ऑफ 270 मीटर। मतलब ए और बी एक रेस कर रहे हैं, उन्हें टोटल रेस में कितने किलोमीटर चलना है? 7.5 किलोमीटर। कितना? 7.5 किलोमीटर की रेस है, ठीक है। और एक सर्कल कंप्लीट करने में उन्हें कितना डिस्टेंस लगेगा? 270 मीटर। मतलब एक सर्कुलर ट्रैक है, लेंथ ऑफ द ट्रैक इज, लेंथ ऑफ ट्रैक इज डी, दैट इज 270 मीटर। ये ना डायामीटर है ना रेडियस है, ये डायरेक्ट हमें दी है लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला, ये ए है, ये बी है, ठीक है। क्या मान लिया? ये ए है, ये बी है, ठीक है। स्पीड रेशियो गिवन है, इफ देयर स्पीड आर इन द रेशियो ए रेशियो 5। मान लेते हैं ए की स्पीड ज्यादा है, अगर रेस हो रही है तो किसी एक की स्पीड तो ज्यादा रहेगी, तभी तो रेस करने का मतलब है, ठीक है। तो क्या हुआ, हमें गिवन है स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो कितना है? 5:3। मतलब 5:3, अगर मान लेते हैं कि अगर इसकी स्पीड, ए की स्पीड 15 है तो बी की स्पीड होगी 9, ठीक है। ए की स्पीड कितनी है? ए की स्पीड मान लेते हैं हम लोग बी से ज्यादा है, मतलब ए रेशो बी इज इक्वल टू 5:3। हम लोगों ने बोल दिया स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इक्वल टू 5:3, 5:3 बोल दिया, क्लियर, ठीक है। देन द नंबर ऑफ टाइम्स द विनर पासिस द अदर इज, ठीक है। एक सबसे पहले ये वाला केस बनता है जब दोनों इनिशियल पॉइंट पर हैं, जब बंदूक चलने वाली, ठीक है, मतलब रेस स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद क्या केस रहेगा हमारे पास? ए की स्पीड ज्यादा है तो क्या होगा, बी मान लेते हैं यहां तक चला, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ए का कहां पहुंच जाएगा? ए तब तक यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर जब बी यहां पर पहुंचेगा, ए यहां पहुंच चुका होगा, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब बी और ए दोनों एक ही पॉइंट पर रहेंगे, ए भी उसी पॉइंट पर है, बी भी उसी पॉइंट पर है, और जब ए बी को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, ये ए है ये बी है, दोनों सेम पॉइंट पे, जब ए बी को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, एक बार पास करेगा तो द विनर पासिस द अदर इज। मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड ऑफ ए ज्यादा है तो विनर कौन सा है? ए विनर है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये 7.5 किलोमीटर की रेस है, उसे पहले कंप्लीट कर लेगा। दोनों 7.5 किलोमीटर दौड़ेंगे लेकिन ए उसे जल्दी कंप्लीट कर लेगा, ए क्या करेगा, जल्दी कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ए और बी के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, पहले ए और बी इनिशियल पॉइंट पर थे, ठीक है, उसके बाद हमने फोटो खींचा तो ए और बी के गैप बीच में डिस्टेंस इतना है, उसके बाद फिर फोटो खींचा तो ए और बी के बीच में इतने गैप है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ए पूरा घूम जाएगा, एक राउंड बी से ज्यादा लगा लेगा। क्या हुआ, एक राउंड बी से ज्यादा लगेगा, मतलब बी चल रहा है, ए की स्पीड ज्यादा है, बी चल रहा है, बी चल रहा है, ये ए ने क्या किया, पूरा सर्कल कंप्लीट करके बी के पास पहुंच गया है, ठीक है। ए ने स्टार्ट किया, ठीक है, ए ने स्टार्ट किया, ये ए है ये बी है, ए ने स्टार्ट किया, धीरे धीरे बी से ज्यादा स्पीड है, बी से ज्यादा स्पीड है, ठीक है। ये क्या करेगा, ए चल बी चल रहा है लेकिन ये क्या करेगा, इसे किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद ओवरटेक कर लेगा। तो वो कौन सा टाइम है, अगर हमें पता लग जाए कि वो कितने डिस्टेंस चलने के बाद, मतलब ए ने अपनी कितनी डिस्टेंस चली उसके बाद वो बी को ओवरटेक कर लेगा, ठीक है। अगर हमें वो डिस्टेंस पता लग जाए तो हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि द विनर पासिस द अदर, मतलब ए ने बी को कितनी बार क्रॉस किया, ठीक। हमें क्या पता है, हमें पता है स्पीड रेशियो गिवन है,
तो हमें क्या पता है, डिस्टेंस रेशियो। जब रेस खत्म होगी, ठीक है, जब रेस खत्म होगी मतलब ए ने 7.5 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है, मतलब रेस खत्म हो गई। रेस खत्म हो गई तो उसके बाद बी के चलने का क्या मतलब, ठीक है, यहां पे क्या है, टाइम सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि रेस ए जितने टाइम में 7500 मीटर या 7.5 किलोमीटर कंप्लीट कर लेगा उतने ही टाइम में बी कितना चल लेगा, ठीक है, बी कितना भी चला हो लेकिन बी रेस कंप्लीट नहीं करेगा। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है और उसका रेशियो भी है 5:3, ठीक है। 5:3 क्या है, 5:3 डिस्टेंस का रेशियो है, ठीक। और हमें ये पता है कि ये जो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा, जो दोनों के बीच का गैप है 2 यूनिट, वही किसके बराबर है, 270 मीटर के बराबर है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं ए अभी यहाँ पर है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम बाद दोनों यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, बी ने मान लो एक सर्कल चला है, तो ए ने क्या किया है, ए ने दो सर्कल चल लिए हैं, क्या कर लिया है, ए ने दो सर्कल चल लिए हैं उसी में, तभी तो वो नेक्स्ट टाइम जाके वहाँ मिलेगा। मान लेते हैं ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, ए की स्पीड बी से ज़्यादा है तो ए तेजी से चलता गया। मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम बाद बी जहाँ पे आया, उसी टाइम के बाद मान लेते हैं ए, उसी टाइम में ए ने दो राउंड लगा लिए, दो चक्कर लगा लिए, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों के बीच में गैप कितना रहेगा, 2 यूनिट का। 2 यूनिट से क्या मतलब है, 270 मीटर, मतलब पूरा एक सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर का इन दोनों के बीच में गैप रहेगा, ठीक है, पूरा सर्कल का गैप रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है दोनों मैच हो गए, तो दोनों के बीच की गैप कितनी है, 270 माइनस कुछ होगी ना, 270 तो नहीं रहेगी, 270 ही आना है आंसर। क्यों? क्योंकि 2 यूनिट के बराबर 270 क्यों रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में जो गैप रहेगा वो पूरे एक सर्कल का होना चाहिए, तभी दोनों किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिलेंगे। तो 1 यूनिट बराबर 270/2 135 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, मतलब ये है कि वो एक बार कब मिलेगा, 1 यूनिट बराबर 135 मीटर, ठीक। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए के लिए हमें क्या निकालना है, विनर, विनर पासेस द अदर, मतलब हमें पूरा फोकस हमारा किस पर है, ए पर है, ठीक है। करने वाला कौन है, ए है, ए की स्पीड ज़्यादा है, ए पास करने वाला है, आंसर निकालना है ए के लिए, बी का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, विनर पासेस द अदर, तो हम लोग क्या ए के लिए सॉल्व करेंगे, 2 यूनिट बराबर 270, 1 यूनिट बराबर 135, 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 625, 5 यूनिट बराबर 675 कितना हो जाएगा, 5 × 135 मतलब कितना होगा, 675, ठीक है, 675 मीटर। अब हमारे पास क्या गिवन है, 7.5 किलोमीटर, ठीक है। तो 7.5 किलोमीटर की रेस है, ये इतने टाइम के बाद एक बार क्रॉस करता है, मतलब जब वो एक बार क्रॉस करेगा तो ये कितना डिस्टेंस चलेगा, ए 675 मीटर, ठीक है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हेन दे फर्स्ट मेट, मतलब जब पहली बार मिलेंगे, जब वो ए बी को क्रॉस करने वाला रहेगा तब 675 मीटर। तो हम लोगों के पास टोटल कितना है, 7.5 किलोमीटर, बोले तो क्या,
7.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 7500 मीटर, 675 इसे इससे डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पासेस, नंबर ऑफ पासेस एन 7500 बाय 675, 25 से डिवाइड कर लेंगे तो 300, 25 से डिवाइड कर लेंगे तो 2, कितना आ जाएगा ये 2 175 7 3 9 जा 300 जा, मतलब 11.11। हम लोग पॉइंट के बाद को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें पासेस चाहिए, ये रेशनल नहीं हो सकते, हम ऐसा नहीं ले सकते कि वो एक एक सर्कल और आधे सर्कल के बाद, एक सर्कल पौना सर्कल के बाद, हम लोग क्या करेंगे जो इंटीजर वैल्यू रहती है, जो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू रहती है उसे यूज करते हैं, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n पासेस, एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्वेश्चन है A and B run a 7.5 किलोमीटर रेस ऑन अ राउंड कोर्स ऑफ 270 मीटर, मतलब हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लेंथ है, मान लेते हैं अगर ये एक पॉइंट A है तो पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद अगर कोई A पे फिर से दोबारा आता है तो उसकी लेंथ है 270 मीटर, टोटल रेस करनी है 7.5 किलोमीटर, ठीक है 270 मीटर की रेस नहीं है, 270 मीटर एक लेंथ है, ट्रैक की लेंथ है, वो 7.5 किलोमीटर की रेस करना चाहते हैं, ठीक है तो ये कितनी बार रेस सर्कल को घूमेंगे, अगर ऐसा कैलकुलेट करना है तो 7.5 डिवाइडेड बाय 270 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है इसे मीटर में कन्वर्ट करने के बाद, हमें गिवन है स्पीड रेशियो, स्पीड ऑफ या तो हम किसी को भी मान सकते हैं, किसी को भी ए मान सकते हैं, किसी को भी बी मान सकते हैं, ठीक है इफ स्पीड रेशियो आर इन द रेशियो 5:3, मतलब एक की स्पीड अगर 5 है तो दूसरे की स्पीड 3 रहेगी, ठीक है यहां पे क्या गिवन है हम लोगों के पास, स्पीड रेशियो गिवन है, तो हम लोगों को पता है कि कितने टाइम बाद, मतलब जो दोनों को लगने वाला टाइम है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों सेम टाइम पे खत्म करने वाले हैं, ठीक है जैसे ही ए अपनी फाइनल पोजिशन पे पहुंच जाएगा रेस खत्म हो जाती है, ठीक तो दोनों के लिए जो टाइम है वो सेम है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो होने वाला है, ठीक कल हमने पढ़ा था कल परसों, उसके बाद क्या होगा एस ए अपॉन एस बी 5:3 दिया है हमने, ये इस क्वेश्चन में ये माना है कि जो ए की स्पीड है वो बी से ज्यादा है, हम लोग ये भी मान सकते हैं स्पीड ऑफ बी इज मोर देन स्पीड ऑफ ए, तो एस बी अपॉन एस ए होता 5:3, ठीक है तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं विनर पासेस द अदर के लिए, जो ये विनर होता है ये होता है बी, क्योंकि बी की स्पीड ज्यादा है, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो जल्दी जीतेगा, ठीक है यहां पे क्या हुआ डी अपॉन डी बी 5:3, टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो है भाई डिस्टेंस का रेशियो रहेगा, लेंथ ऑफ द ट्रैक दिया है 270 मीटर, ठीक है अब क्या गिवन है हम लोगों के पास, अगर दोनों के बीच में दोनों कब मिलेंगे दोबारा, ठीक है दोनों कब मिलेंगे दोबारा, जब दोनों के बीच में कितने का मल्टीपल हो, 270 का मल्टीपल हो या 135 का मल्टीपल हो, ठीक है अगर ए यहाँ पे है तो ये चला ये चला ये चला, ठीक है चलने के बाद ये जिस पॉइंट पे मिलेगा, अगर वो एक बार मिला तो क्या होगा, अगर दो यूनिट है मतलब 5:3 है हम लोगों के पास, तो दोनों के बीच में दो यूनिट है, दो यूनिट मतलब 270 मीटर, क्या है दो यूनिट मतलब 270 मीटर, ठीक है तो एक यूनिट बराबर कितना मीटर आ जाएगा 135 मीटर, ठीक है हम लोगों को ए के लिए निकालना है, ए मतलब जो विनर होने वाला है, द विनर पासेस द अदर, अदर बी है विनर ए है, ए के लिए निकालना है, तो हम ये देखेंगे कि ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए व्हेन द फर्स्ट मीट, मतलब एक बार मिलने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो टोटल इतने किलोमीटर मिलने के लिए वो कितने बार मिलेगा, ठीक है तो 75 किलोमीटर मतलब इसे मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि हम लोगों के पास जो डिस्टेंस थ्री डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हेन द फर्स्ट मीट इज 675 मीटर, 675 से 705 7500 को डिवाइड कर लेंगे
तो हम लोगों के पास जो आएगा वो आएगा 11.11। हम लोग 0.11 के बाद की वैल्यू जो नेग्लेक्ट कर देंगे, पॉइंट के पहले वाली वैल्यू हम लोग लेंगे, तो n क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, इंटीजर वैल्यू लेनी है n इक्वल टू 11, n इक्वल टू 11 पासिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्त क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, दिस इज सर्कुलर ट्रैक जहाँ पर रेस होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे अंकित भी खड़ा है, यहाँ पे अमित भी खड़ा है, यहाँ अमित भी है, यहाँ पर अंकित भी है। दोनों ने सोचा कि क्यों ना आज रेस की जाए, ठीक है। लेकिन जो अंकित की स्पीड है वो अमित से ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें रेशियो गिवन है, स्पीड ऑफ अंकित अपॉन स्पीड ऑफ अमित इज 7:4। मतलब जो ये 3 यूनिट का गैप है उतनी ही स्पीड अंकित की अमित से ज़्यादा है, ठीक है। अगर अमित की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है तो अंकित की कितनी होगी, 7 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी, ठीक। हमें गिवन है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब ये जो ट्रैक है इसका सरकमफेरेंस गिवन है, मतलब इनडायरेक्टली हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द ट्रैक। क्या गिवन है, जो ट्रैक की लेंथ है, लेंथ ऑफ द ट्रैक, विच इज 4.5 किलोमीटर। लेंथ ऑफ द ट्रैक कितनी है, 4.5 किलोमीटर, ठीक है। जो सर्कुलर क्वेश्चंस के आते हैं, जो सर्कुलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनमें ट्रैक में रेस हो रही है या कोई दो बंदे मूव कर रहे हैं, ठीक, तो क्या होता है कि दोनों में, दोनों ही केस में जो टाइम रहता है वो कांस्टेंट रहता है, किसी रेस में जो टाइम रहता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। टाइम क्या रहेगा इन केसेस में, कांस्टेंट रहेगा। ये तो आप याद ही कर लीजिए कि जो टाइम रहेगा वो हमेशा इन केसेस में कांस्टेंट रहेगा, ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अंकित व्हेन ही पासेस अमित फॉर द 12th टाइम। मतलब अंकित की स्पीड ज़्यादा है ये तो हम मानते हैं, 3 यूनिट अमित से स्पीड ज़्यादा है इसकी। अगर अमित की स्पीड 12 है तो अंकित की स्पीड 21 होगी, क्योंकि दोनों का रेशियो आना चाहिए 7:4, ठीक है। तो बोल रहा है कि अंकित की, अंकित ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी जब वो 12वीं बार अमित को पास करेगा, ठीक है। जब वो 12वीं बार अंकित के पास से होके गुजरेगा तब अंकित के द्वारा चली गई दूरी क्या है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अंकित व्हेन ही पासेस अमित फॉर द 12th टाइम। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ही हम जनरली रेशियो मेथड से करते हैं। हमें क्या पता है, टाइम अगर कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो रहता है वही रेशियो रहता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अंकित, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमित, पूरा ही लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमित, अंकित के द्वारा चली गई दूरी डिवाइडेड बाय अमित के द्वारा चली गई दूरी, डिस्टेंस बाय अंकित, डिस्टेंस बाय अमित। क्या ये सेम रेशियो रहेगा जो रेशियो है स्पीड का, अंकित की स्पीड का रेशियो और अमित की स्पीड का रेशियो जो है रहेगा वही रेशियो रहेगा अंकित की और अमित की डिस्टेंस का रेशियो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्त टाइम कांस्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली याद ही रख लो कि टाइम कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। और हमारी मेथड क्या रहती है, जो दोनों के बीच की जो यूनिट रहती है वो किसके बराबर रहती है, सरकमफेरेंस की। मतलब अंकित पहली बार अमित को कब
पीछे छोड़ेगा या दूसरी बार नेक्स्ट टाइम उससे कब मुलाकात होगी उसकी, तो इसके लिए हम लोगों को पता है कि अगर अंकित और अमित सेम पॉइंट से स्टार्ट करें तो दोनों अगली बार कब मिलेंगे, चाहे स्पीड कुछ भी हो, दोनों अगली बार कब मिलेंगे जब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी, लेंथ ऑफ द ट्रैक, लेंथ ऑफ द ट्रैक के बराबर रहेगी। क्लियर है? दोनों कब मिलेंगे, जब दोनों कितना चलेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के रेशियो में चलेंगे, मतलब या तो वो एक बार सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल चल रही या दो बार सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल चल रही। मतलब ये तो क्लियर है कि जो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है उसी के मल्टीपल में ये दोनों चलेंगे, ठीक है, तभी जाके क्या होगा, तभी जाके क्या होगा, तो क्या आ गया यहाँ से, स्पीड ऑफ अंकित अपॉन स्पीड ऑफ अमित कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अंकित अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय अमित, ठीक है, 7:4, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो स्पीड अंकित की अमित से ज़्यादा है, तो ओवरटेक कौन करेगा, अंकित करेगा अमित को, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, पीछे से दौड़ने वाला ही आगे वाले को ओवरटेक करता है, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम से निकल रहे हैं, तो अंकित की स्पीड ज़्यादा है, तो अंकित अमित को पहली बार ओवरटेक कब करेगा, जब दोनों के बीच की डिस्टेंस बाय अंकित रेशो डिस्टेंस बाय अमित, अंकित की स्पीड ज्यादा है तो अंकित अमित को पहली बार पीछे कब करेगा, जब दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो मतलब दोनों के बीच में कितने यूनिट का गैप है, 3 यूनिट का गैप है, जब दोनों के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस ही तो है, 7 और 4 क्या डिस्टेंस है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी है, अगर हम मान ले 7 किलोमीटर और इसे मान ले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमित 4 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर, ठीक है। हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसे यूनिट में ले लेते हैं, तो क्या होगा, 7:4 है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, यही तो है 7:4, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट की। अगर अमित अंकित अमित को पहली बार, अंकित अमित को एक बार कब मिलेगा, ध्यान से सुनना बात, अंकित अमित से पहली बार कब मिलेगा, जब दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी किसके बराबर हो जाए, लेंथ ऑफ द ट्रैक के बराबर, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने यही किया और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग यही करने वाले हैं, क्या कि जो अंकित और अमित के बीच की जो दूरी है वो जब लेंथ ऑफ द ट्रैक के बराबर आ जाएगी, तब जिसकी स्पीड ज्यादा है, यहां पे किसकी स्पीड ज्यादा है, अंकित की स्पीड ज्यादा है अमित से, तो क्या होगा, अगर अंकित की स्पीड अमित से ज्यादा है तो अंकित अमित को क्रॉस करेगा, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी अंकित अमित को एक बार, ठीक है, चाहे वो पहली बार हो दूसरी बार हो, पर एक बार अंकित अमित को एक बार कब मिलेगा, जब दोनों के बीच की डिस्टेंस, चाहे वो यूनिट में ले या किलोमीटर में ले, किसी में भी ले लें, जब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो लेंथ ऑफ द ट्रैक के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, अंकित अमित को छू लेगा, ठीक है, पकड़ लेगा, तो 3 यूनिट बराबर क्या होगा, 3 यूनिट बराबर 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1.5 किलोमीटर, ये सब उससे बनता है, ये क्लियर है। अगर 3 यूनिट 4.5 किलोमीटर है तो 1 यूनिट 1.5 किलोमीटर रहेगा, मतलब क्या होगा, अगर अंकित की डिस्टेंस निकाले हम लोग कि एक बार कब, जब वो पहली बार मिलेगा तब दोनों की वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, मान लो दोनों की स्पीड ये है, ए की स्पीड कितनी है, अमित की स्पीड है 4, अंकित की है 7, ये अंकित, ये अमित है, ये अंकित है, बड़ा वाला अंकित है क्योंकि स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों चलेंगे यहां से, ठीक है, अंकित आगे निकल जाएगा, ठीक है। अब टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले वो, मतलब टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले अंकित जब वो उसको एक बार मिलेगा, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस बाय अंकित कितना हो जाएगा, अगर 1 यूनिट बराबर है 1.5 के,
तो इसकी टोटल यूनिट कितनी है, कितनी हो जाएगी, 10.5 किलोमीटर, कितनी आ जाएगी, 10.5 किलोमीटर, क्लियर है, 10.5 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोलता है हमसे ये, उसके बाद व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अंकित वैन ही पासिस अमित फॉर द 12th टाइम, मतलब 12 टाइम के लिए, 12 बार, मतलब 12वीं बार जब वो अमित को क्रॉस करेगा तब उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से, तो क्या होगा, 12 बार की, ये एक बार के लिए, ये एक बार उससे कम मिलेगा जब वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो वो 12th टाइम कब मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अंकित व्हेन ही मीट 12th टाइम। ठीक है, 12th टाइम कितना होगा, 10.5 × 12 कितना होगा, कितना होगा ये, 120, 126, 126, 126 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 126 किलोमीटर, क्लियर।